हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनैद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डिस्कशन की थी और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की मैंने बात की थी, हाफ लाइफ की बात की थी, फ्रैक्शनल लाइफ की मैंने बात की थी और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात की थी और न्यूमेरिकल की डिस्कशन की थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम बात करेंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, the first order reaction in which rate of reaction depends on the concentration of one reactant and independent of excess molecule। तो वो रेट ऑफ रिएक्शन, वो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वो टाइप है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन ओनली वन रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है और जो दूसरा रिएक्टेंट जो कि एक्सेस अमाउंट में होता है वो उस पर इंडिपेंडेंट होता है। वो जो एक्सेस अमाउंट में हमारा रिएक्टेंट है वो एक्ट एज अ सॉल्वेंट, वो जो एक्सेस मॉलिक्यूल है सेकेंड वो एक्चुअल में या तो वो एज अ सॉल्वेंट बिहेव कर रहा होता है, एज अ सॉल्वेंट या एज ए कैटलिस्ट बिहेव कर रहा होता है, एज अ कैटलिस्ट बिहेव कर रहा होता है। तो इस ऑर्डर को कहा जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो एक बात याद रख दीजिए, इन केस ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इस केस में मॉलिक्यूलैरिटी इज नॉट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है इस केस में इसकी मॉलिक्यूलैरिटी तो 2 होती है, यानी कि कितनी होती है, 2 मॉलिक्यूलैरिटी होती है, बट जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो ओनली 1 होता है। ये वजह है कि इसको कहा जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि जैसा कि हमें नज़र आ रहा होता है कि फॉर एग्जांपल हम लेट कर लेते हैं कि ये मेरे पास ए है प्लस बी है दैट गिव द प्रोडक्ट सी। अगर हमारे पास बी जो है एक्सेस में है, किस में है, एक्सेस अमाउंट में है, तो जब इसका रेट लिखते हैं रेट दैट इज इक्वल टू के, और रेट डिपेंड कर रहा होता है ए पे और बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा होता। हालांकि देखना चाहिए कि ऐसे लग रहा है कि जैसे ए और बी 2 रिएक्टेंट हैं तो इसकी जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वो ये होगा आर इज इक्वल टू के। ए पे भी डिपेंड करना चाहिए, बी पे भी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यही वजह है कि जैसे हमें लग रहा है, नज़र आ रहा है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओनली 1 है। तो ये वजह है कि इसको क्या कहा जाता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसको कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि किस टाइप के रिएक्शंस हैं जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। तो वी डिस्कस द एग्जाम्पल्स ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की डिस्कशन कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर। एस्टर की हाइड्रोलिसिस का ये जो रिएक्शन है ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। वो मिथाइल एसीटेट हो या इथाइल एसीटेट हो, दोनों केसेस में जब उसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो वो किस ऑर्डर को फॉलो करती है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर लेती है। तो डिस्कस कर लेते हैं, इथाइल एसीटेट C2H5COO and CH3, दिस इज द इथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है तो इसके रिजल्ट में हमें मिलती है, एक तो हमें मिल जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तो हमें मिल जाती है अल्कोहल C2H5OH मिल जाती है, और साथ हमें मिल जाता है CH3, क्या मिल जाता है, CH3COOH, एस्टिक एसिड मिल जाता है। तो क्योंकि यहाँ वाटर जो होता है ये एक्सेस में होता है, किस में होता है, एक्सेस में वाटर होता है,
तो ये रेट पे डिपेंड ही नहीं करता, रेट ओनली डिपेंड ऑन दी इथाइल, रेट ओनली डिपेंड ऑन दी मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर हम इसका रेट लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, इसका रेट आर इज इक्वल टू के, इट डिपेंड ओनली सी टू एच फाइव सी डबल ओ की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है इसका रेट। तो ये एग्जाम्पल है जी हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर। तो ये किस ऑर्डर को फॉलो करती है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है। हालांकि इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो टू है बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओनली वन, जो कि डिपेंड कर रहा है इथाइल एसीटेट पे, मिथाइल एसीटेट पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह अगर हम बात करें हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करें तो किस तरह लिखी जाती है, इसकी इक्वेशन का फार्मूला है कि के रेट कॉन्स्टेंट के दैट इज इक्वल टू 2.303 इज डिवाइडेड बाई टी, डिवाइडेड बाई टी। जिस तरह फर्स्ट ऑर्डर का हम लिखते थे, फर्स्ट ऑर्डर का हम इस तरह लिखते थे के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ऑफ ए नॉट ओवर ए, ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। अब देखिए ये हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन और ये रिमेनिंग है। इसको कुछ बुक्स वाले इस तरह भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स। अब ए क्या है, ए हमारे पास इनिशियल है, ये भी इनिशियल है, और ये क्या है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। तो ए माइनस एक्स बेसिकली ये हमारे पास रिमेनिंग है, जो कि यही बात है, ए की बात है। इस तरह फार्मूला भी आपको कुछ बुक्स में लिखा नजर आएगा, और अगर ये वाला लिखना चाहे तो लिख लें। तो अब हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर के केस में, क्योंकि इस केस में हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस और होती है, तो हम इस केस में जो रेट कॉन्स्टेंट का फार्मूला हम निकालते हैं वो ये है के दैट इज इक्वल टू 2.303, वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लें, डिवाइडेड बाई टी लॉग, क्योंकि इसमें हम हाइड्रोलिसिस कर रहे होते हैं, डायल्यूशन कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि हम अपने एस्टर में हम वाटर डाल रहे होते हैं, हाइड्रोलिसिस करते जा रहे होते हैं, तो डायल्यूशन हो रही होती है। तो हम इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी इन्फिनाइट, यानी कि एट इन्फिनाइट डायल्यूशन, क्या इन्फिनाइट डायल्यूशन, वी इन्फिनाइट माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय वी इन्फिनाइट माइनस वी टी। तो ये है जी हमारे पास फार्मूला इन केस ऑफ सूडो ऑर्डर रिएक्शन के केस में, ये फार्मूला आपने नोट कर लें। अब हमारे पास V इन्फिनाइट क्या है, ये है वॉल्यूम एट इन्फिनाइट डायल्यूशन, वॉल्यूम एट इन्फिनाइट डायल्यूशन। जब इन्फिनाइट डायल्यूशन हो जाती है तो उस वक्त जो वॉल्यूम होता है वो उसको कहा जाता है V नॉट। और V नॉट क्या है, दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम, जब टाइम जीरो होता है, इनिशियल वॉल्यूम क्या होता है, इनिशियल वॉल्यूम जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो होता है। और इसके अलावा जो वी टी है ये है वॉल्यूम एट टाइम टी, जब टाइम टी होता है तो उस वक्त जो वॉल्यूम होता है उसको वी टी कहा जाता है। अगर ये तीनों चीजें हमारे पास डिटरमाइन हो तो हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं एक आपके सामने एक एग्जाम्पल पेश करता हूं कि इस पे न्यूमेरिकल किस टाइप का आ सकता है, तो उसकी न्यूमेरिकल की डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास डाटा है, क्वेश्चन है जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे हमारे पास न्यूमेरिकल आ सकता है। फॉलोइंग डाटा इज गिवन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस की गई है। तो ये डाटा हमारे पास आया है कि जब टाइम जीरो है तो उस वक्त जो वॉल्यूम है, यानी कि ये हमारे पास है वी नॉट, वो हमारे पास क्या है 24.36 है। और जब टाइम टी है, जब टाइम टी है तो उस वक्त जो हमारे पास वॉल्यूम है जिसको हमने वी टी का नाम दिया है वो क्या है, वो है 25.9। और जब टाइम इन्फिनाइट है तो उस वक्त जो हमारे पास वॉल्यूम है वो है 47.2। तो आप ये वाला डाटा पुट करके आप इजीली उसके रेट कॉन्स्टेंट के की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वी इन्फिनाइट भी आपको गिवन है, इसके अलावा वी नॉट भी आपको गिवन है, और वी टी भी आपको गिवन है। और ये जो टाइम है ये है कि एट फिक्स टाइम, यानी कि एक खास टाइम के लिए ये जो टाइम है 1200। तो अब टी की वैल्यू जो आपने पुट करनी है वो क्या पुट करनी है, 1200 पुट करना है एट टाइम टी पे। तो ये 1200 आपका टाइम है, तो ये आप वैल्यू पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है तो के की वैल्यू पर सेकंड में इसका यूनिट आएगा। तो ये है जी सिंपल सा न्यूमेरिकल सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। अब हम बात कर लेते हैं कि और कौन कौन सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती हैं। एक तो हमारे पास हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर,
जिस तरह मिथाइल एसीटेट हो गया, इथाइल एसीटेट हो गया, उनकी जब हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ये इसी रिएक्शन को फॉलो करता है, सोडो फॉस्फेट रिएक्शन को। इस तरह सेकंड एग्जांपल की हम बात करें वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, या इसको कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ शुगर भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, ये वाला रिएक्शन इन्वर्जन ऑफ शुगर। एग्जांपल इक्वेशन ले लेते हैं C12H22O11, जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, इन्वर्जन करवाई जाती है, तो उस वक्त हमें मिलता है C6H12O6 ग्लूकोज मिलता है और साथ C6H12O6 क्या मिलता है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है। तो ये हमारे पास शुगर है, तो शुगर की इन्वर्जन करवाई गई, हाइड्रोलिसिस करवाई गई। अब ये जो वाटर है, दिस इज इन एक्सेस अमाउंट, किस अमाउंट में है, एक्सेस अमाउंट है। जब इसका रेट लिखा जाता है इस रिएक्शन का, तो रेट R इज इक्वल टू के, ये ओनली डिपेंड ऑन दी शुगर, C12H22O11 ओनली इस पे डिपेंड करता है। तो ये है जी सूडो फॉस्फेट रिएक्शन। अगर हम इसकी काइनेटिक इक्वेशन की बात करें तो वो इसका जो रेट कॉन्स्टेंट का फार्मूला आता है वो आता है के दैट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ। अब क्योंकि ये हमारे पास इन्वर्जन है, क्या है, इन्वर्जन है, तो जब शुगर की इन्वर्जन होती है तो उस केस में जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है वो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल रोटेशन होती है, क्या होती है, ऑप्टिकल रोटेशन देखी जाती है। ऑप्टिकल रोटेशन के थ्रू हम इसका रेट डिटरमाइन करते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन। तो इस केस में फिर हम इसकी ऑप्टिकल रोटेशन ले लेते हैं, आर रोटेशन, आर की फॉर्म में हम लेंगे रोटेशन ऑफ रोटेशन एट जीरो माइनस रोटेशन इनफिनाइट डिल्यूशन जब होती है तो उस वक्त रोटेशन डिवाइडेड बाय आर टी माइनस आर इनफिनाइट। तो अब ये क्या है, जो आर नॉट है ये है रोटेशन एट इनिशियल, जब इनिशियल पॉइंट, जब टाइम जीरो है, आर नॉट क्या है, व्हेन टाइम, जब टाइम जीरो है तो उस वक्त जो रोटेशन है उसको कहा जाता है आर नॉट। और आर इनफिनाइट क्या है, जब टाइम इनफिनाइट है, इनफिनाइट डाइल्यूशन जब होती है तो उस वक्त जो रोटेशन होती है वो उसको आर टी इनफिनाइट कहा जाता है। और ये टाइम टी पास होने के बाद, टाइम टी गुजरने के बाद जो उसकी रोटेशन आती है वो आर टी होती है। तो इस तरह अगर इस पे भी न्यूमेरिकल दे दिया जाए, वैल्यूज दे दी जाए, तो आप ये वाला फार्मूला लगा के इसकी कॉन्स्टेंट, रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर या इन्वर्जन ऑफ शुगर। इसके अलावा ट्राई, अगर हम बात करें टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हाइड्रोलिसिस ऑफ, थर्ड टाइप की जो एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये रिएक्शन भी किसको फॉलो करता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। कैसे, CH3 और ये है ब्रोमाइड, ब्रोमीन प्लस वाटर, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है तो ये रिएक्शन जो होता है ये हमें मिलती है अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल मिलती है CH3CH3OH और साथ में मिलता है HBr। तो इस केस में भी वाटर जो है दैट इज इन दी एक्सेस अमाउंट, जिस पे रेट डिपेंड ही नहीं करता, और इसका रेट कॉन्स्टेंट क्यों लिखा जाती है, के दैट इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू के, जो कि किस पे डिपेंड करता है, ओनली टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे डिपेंड करता है, CH3 thrice bromine। तो ये देखें इसका किस रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, और इसकी जो मॉलिक्युलरिटी है 2 है, तो इसको कहा जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आज हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती हैं, और इस पे जो इसकी रेट इक्वेशंस हैं, काइनेटिक इक्वेशन है, उसको कैसे लिखा जा सकता है, और इसको न्यूमेरिकल इस पे कैसे आ सकते हैं, और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, और ये टॉपिक हमारा एंड हुआ। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।